हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू पर्डले इलेवन थीज़ कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे हैं और हमने लास्ट टू क्लासेस में पम्यूटेशन uh, कॉम्बिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम लोग प्रोबेबिलिटी से बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में क्योंकि थ्योरी हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं so, सो आप लोग रिवाइज करके आए हो थ्योरी थो, uh, अपना थोड़ा बहुत भाई प्रॉबेबिलिटी पर हमने पहले भी ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और थ्योरी भी डिस्कस की आज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसके अंदर अपना एन के बैक एक्सरसाइजेस हैं प्लस कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पलर से भी पिक किए हैं सो so, स्टार्ट करें क्या आप लोग रेडी हो चलिए सो so, पहला क्वेश्चन आपके सामने थ्री कॉइन्स आर टॉसड वंस लेट ए डिनोट द इवेंट थ्री हेड्स शो ओके इवेंट्स लिखने पड़ेंगे अपने को क्या है इवेंट ए के लिए क्या कह रहा है वो थ्री हेड्स ठीक है और वो क्या करे थ्री कॉइन्स को टॉस करेंगे थ्री कॉइन्स को टॉस करने पर टोटल पॉसिबल सिचुएशन कितनी बनेगी किसी को आइडिया है सैम्पल स्पेस क्या होता है अपना जब हम थ्री कॉइन्स को टॉस करते हैं ठीक एच एच टी एच टी एच एच टी टी है ना अब टी एच एच ह, टी एच टी 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 एच एच टी 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 तो अपने पास टोटल एट नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होते हैं व्हेन हम किसी कॉइन को तो, थ्री कॉइन को टॉस करते हैं ओके बी आ, सो ये कह रहा है ए इवेंट क्या है थ्री हेड्स तो इसके अंदर क्या आ जाएगा कौन सा आएगा ये ट्रिपल एच वाला थ्री हेड्स का तो यहाँ पर एक ही सीन है तो इसको ये इवेंट ए है ठीक है इवेंट बी कहता है क्या टू हैज्स टू हैज्स एंड वन टेल अब उसने कुछ नहीं बताया पोजिशन फिक्स नहीं की बस उसको दो हैड और एक टेल चाहिए ऐसे करके तो वन हैड टेल हैड और टेल दो दोड और एक टेल तो दिस वन दिस वन एंड दिस वन तीन ही सिचुएशन बनी क्लियर है चलो आगे कह रहा है सी डिनोट द थ्री टेल्स ओ थ्री टेल्स तो यहां पर टी 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 एक ही बनेगा एंड डी की हम बात करें तो इवेंट हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन वो कह रहा है कि फर्स्ट कॉइन मतलब पहला कॉइन अपना क्या होना चाहिए हेड होना चाहिए बाकी के आगे के इवेंट क्या कॉइन्स uh, पे क्या है डजेंट मैटर कुछ भी आ जाए तो देखो पहला अपना कॉइन हेड है एक दो तीन चार तो ये चारों के चारों क्या आएंगे डी इवेंट के अंदर आएंगे तो यहां पर अपने पास क्या क्या बन रहेगा एच टी टी चलो लिख दो एच 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 टी और एच टी एच ये चार अपने यहाँ पर इसके अंदर आ गए ठीक है अब आगे क्या कह रहा है विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बताया था कि ऐसे कोई भी दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन फाइव आए मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो तो देखो आराम से ऑब्जर्व करो अपना यहाँ पर थ्री हेड यहाँ पर दो 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 तो ये ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है है ना तो आप लिख सकते हो नंबर वन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव ठीक है अच्छा ए का और किसके साथ किया यहाँ पर हेड और यहाँ पर तीनों टेल ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाइव ठीक है अब यहाँ पर और इसका करेंगे तो इनमें कुछ कॉमन आ चुका है तो ये लिखो ए इंटरसेक्शन ओ सॉरी ए इंटरसेक्शन डी इज नॉट इक्वल टू फाइव तो ए एंड बी एंड सी ये कैसे हैं बेटा अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से ठीक अब आप बी का उसके साथ करोगे बी और सी के साथ तो बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन बी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है काफ़ी कुछ मैच करेगा और सी और डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यहाँ पर लिख लो आराम से बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाइव देखो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या फाइव बी इंटरसेक्शन डी इज नॉट इक्वल टू फाइव तो यहां से करेंगे बी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक एंड सी एंड डी का हम करेंगे सी और डी का तो ये भी अपने कैसे हैं फाइव तो सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई चलो अब यहां पर सिंपल इवेंट क्या बताया था सिंपल इवेंट के बारे में सिंपल इवेंट किसे बताया था जिसके अंदर सिर्फ एक ही अपना एलिमेंट होगा तो यहाँ पर ए और सी दो अपने सिंपल इवेंट हैं एक और इसमें भी एक तो आप इसमें लिख सकते हो ए एंड सिंपल इवेंट ठीक है आगे कह रहे हैं कंपाउंड इवेंट तो भाई जो सिंपल इवेंट नहीं है वो कंपाउंड है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बी एंड डी बस हमें recognize करना आना चाहिए डेफिनेशन अपने को याद रहनी चाहिए तो हम बहुत ईजिली बता सकते हैं कि विच इवेंट इज सिंपल और विच इवेंट इज कंपाउंड ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं तो बिल्कुल बच्चा uh, वाला क्वेश्चन था अ कॉइन इज टॉज ट्वाइस एक कॉर्न को दो बार ट्वाइस करें टॉस करेंगे वॉट इज द प्रोबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स है ना तो जब आप एक ही कॉइन को दो बार टॉस कर रहे हो या दो कॉइन को एक बार टॉस करेंगे बेटा दोनों सिचुएशन अपनी ठीक है है ना तो सैम्पल स्पेस क्या हो गया टेल 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 हैड 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 यही है इतनी बात क्लियर हो गई कि जब हम दो कॉइन को टॉस करें एक बार या एक कॉइन को दो बार टॉस करें बहुत सिचुएशन आता सेम तो टी 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 एच एच टी और एच एच ठीक है अब यहां पर हमसे कह रहा है कि एटलीस्ट वन टेल है ना तो फेवरेबल क्या कहना चाह रहा है एटलीस्ट वन टेल ठीक तो एटलीस्ट वन टेल मतलब जिसमें कम से कम एक बार टेल तो आना ही चाहिए तो so, फेवरेबल में क्या होगा डबल टी बिल्कुल टी एच बिल्कुल आ जाएगा और एच टी दैट्स इट ये नहीं आएगा सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बताया था बेटा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बताया था फेवरेबल अपॉन टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल तो तीन अपने पास फेवरेबल है अपॉन डिपॉन टोटल चार एटलीस्ट वन टेल तो कम से कम एक टेल आना ही चाहिए तो एक से ज्यादा कितनी बार आ जाए तो वो दो बार आया तीन बटे चार दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्लियर समझ में आ गया थ्री बाई फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स ओके एक डाई जो है थ्रो किया गया है बेटा डाइस डाइस तो सबको पता है है ना बचपन में हम लोग खेलते थे लूडो खेलते हैं या जो सांप सीढ़ी खेलते हैं उस डाइस की बात कर रहे हैं हम लोग तो एक ही डाई है तो एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैम्पल स्पेस देखते हैं एक डाई को थ्रो करने पर क्या सैंपल स्पेस तो डाइस देखा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यही मिलता है तो बस अपने पास या तो वन या टू या थ्री या फोर या फाइव या सिक्स यही मिलेगा ठीक है ओके okay. आगे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स नंबर वन अ प्राइम नंबर विल अपीयर अ प्राइम नंबर विल अपीयर सो नंबर वन अ प्राइम नंबर विल अपीयर ओके सो यहां पर देखो प्राइम नंबर क्या क्या है वन प्राइम नंबर होता है क्या किसी को पता है वन के बारे में नो no. वन ना तो प्राइम नंबर है ना ही अपना कॉम्पोजिट है टू प्राइम नंबर है थ्री प्राइम नंबर है और फाइव प्राइम नंबर है यहाँ पर तीन प्राइम नंबर हैं सो फेवरेबल आउटकम कितने हैं तीन और टोटल आउटकम छः सो वन बाई टू इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ प्राइम नंबर है ना आधी प्रॉबिलिटी है कि आप जब एक डाइस को थ्रो करोगे तो आपको प्राइम नंबर मिले ठीक नेक्स्ट क्या कह रहा है और नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री नंबर एक नंबर हमें चाहिए एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री विल अपीयर मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो थ्री फोर फाइव सिक्स ये चार पॉसिबिलिटी मिल सकती हैं अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री विल अपीयर सो रिक्वायर्ड प्रॉबिबिलिटी की बात करें फोर डिवाइड बाई सिक्स फोर क्यों आया वन टू थ्री फोर चार फेवरेबल आउटकम है वन टू थ्री फोर फोर बाई सिक्स इट इज इक्वल टू टू बाई थ्री तो वो कह रहा है कि अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री तो तीन चार पाँच छः चार फेवरेबल आउटकम एंड सिक्स इज योर टोटल आउटकम सो टू बाई थ्री इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डन ओके अ नंबर लेस देन और इक्वल टू वन ओके क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है अ नंबर नंबर लेस देन और इक्वल टू वन तो सोच ना वो कह रहा है कि एक्स ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू वन तो एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल है जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे ओनली वन वन या वन से छोटी तो छोटी तो है नहीं वन ही यू कैन टेक सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वन फेवरेबल केस वन एंड टोटल आउटकम सिक्स सो वन बाई सिक्स इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्लियर ये बात समझ में आ गई ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर नंबर मोर देन सिक्स नंबर मोर देन सिक्स विल अपेयर ओके आराम से पहले क्वेश्चन को रीड करो वो कह रहा है कि आपने एक डाइस को थ्रो किया है अ नंबर ग्रेटर देन सिक्स नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू वो कह रहा है सिक्स से बड़ा नंबर चाहिए जब हम अपना डाइस को थ्रो करेंगे इज इट पॉसिबल उ no. so, जो चीज पॉसिबल नहीं डायरेक्टली यू कैन से इट्स प्रॉबिबिलिटी जीरो रेस्ट रेस्ट आपको इसको प्रॉपर तरीके से करना है तो इधर आओ नंबर तो ग्रेटर देन सिक्स तो मतलब एक्स ग्रेटर देन सिक्स की बात हो रही है तो सिक्स भी नहीं है यहां पर तो हमारे पास तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं बताओ जीरो भाई हम डाइस को थ्रो करेंगे तो वही पॉसिबिलिटी है सिक्स से बड़ा नहीं मिलेगा सॉरी सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज अपॉन इज़ इक्वल टू जीरो मतलब अपने को एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है दैट इज मैटर्स ओके यहां पर आके नंबर लेस देन सिक्स विल अपियर नंबर लेस देन सिक्स विल अपियर क्या ख्याल है दोस्तों जल्दी से बताओ अ नंबर लेस देन सिक्स विल अपीयर अब जल्दीबाजी में बच्चे पता है क्या करते हैं अच्छा हमें तो हमेशा छोटे मिलेंगे तो वन प्रोबेबिलिटी आएगी उसने लेस देन और इक्वल टू सिक्स नहीं बोला लेस देन सिक्स एक्स लेस देन सिक्स तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज एक्स के लिए वन टू थ्री फोर फाइव दीज फाइव पॉसिबिलिटीज यू हैव फॉर एक्स ठीक तो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल दिस इज योर आंसर तो आराम से रीड करना है जल्दबाजी नहीं मचानी कि अरे इसने तो बोला लेस देन सिक्स हमेशा था हमें थ्रो करने पर हमेशा ही सिक्स से छोटा मिलेगा भाई सिक्स भी तो मिल सकता है ना तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी फाइव डिवाइड बाई सिक्स क्लियर कोई डाउट किसी का फटाफट से बताओ चले आगे चलो अ फेयर कॉइन विथ वन मार्क ऑन वन फेस एक कॉइन है ठीक है अब वो कॉइन जो है उन्होंने अपने आप अप डिज़ाइन किया है कि कॉइन पर एक साइड पर तो वन लिखा है और दूसरे साइड पर टू लिखा है ठीक अच्छा सॉरी मुझे लगा वन और टू लिखा होगा नहीं आगे रीड करो एंड सिक्स ऑन द अनदर साइड एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड एक हमारे पास डाई है ठीक एक डाई सबको बनाना आता ही तो बचपन में कितना सीखते थे इसको बनाना ठीक है तो अब इनको हम लोग टॉस कर रहे हैं फाइंड द दैट दैट सम ऑफ नंबर्स टर्न अप थ्री और ट्वेल्व तो पहला कह रहा है कि जब हम डाइस को और इस कॉइन को ये कॉइन और इस डाइस को थ्रो करें तो हमें सम थ्री मिले तो देखो सम थ्री मिलेगा ये हमारे कॉइन पर वन आ चुका है तो मुझे डाइस पर टू चाहिए तभी सम क्या मिलेगा इनका थ्री तो देर इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी क्यों क्योंकि जब सिक्स आ जाएगा तो उधर माइनस में तो मिलेगा नहीं ठीक है अच्छा फेवरेबल आपने को फेवरेबल तो पता चल गया लेकिन टोटल की बात करते हैं सोचो सैम्पल स्पेस बनाना चाहेंगे हम लोग तो क्या पॉसिबल है कि ये कॉइन और ये डाइस कॉइन डाइस कॉइन डाइस कॉइन डाइस मतलब कॉइन पर वन 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 आया और डाइस पर अपना सारे आए सिमिलरली जब कॉइन पर सिक्स होगा तो वन सिक्स होगा तो टू सिक्स होगा तो थ्री सिक्स होगा तो फोर सिक्स होगा तो फाइव और सिक्स होगा तो सिक्स तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है अपने पास बारह तो so, हर बार ऐसे लिख करके काम नहीं करेंगे सोचो so, यहाँ पर कितने हैं टोटल सिक्स और यहां पर कितने हैं टोटल टू तो सिक्स इंटू टू ठीक है सो so, so, अब इनमें से हमें अब हमने सारा सैंपल स्पेस बनाई दिया है तो देखो दिस इज द ओनली वन जिसमें अपने को थ्री मिलेगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और आगे सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये मिलेगा सो रिक्वायर्ड प्रॉबेबिलिटी फॉर गेटिंग सम इक्वल टू थ्री तो क्या है वन डिवाइड बाई ट्वेल्व क्यों फेवरेबल नंबर ऑफ आउटर्म्स कितना है वन और टोटल नंबर ऑफ आउटर्म्स वी कैन सी इट इज ट्वेल्व सो वन बाई ट्वेल्व इज योर रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी फॉर गेटिंग सम एज थ्री नाउ सेकेंड वन इज ट्वेल्व तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि हमें सम कितना मिले बारह तो आराम से देखो इधर वन हम थ्रो करेंगे इस पर मैक्सिमम सिक्स मिलेगा तो वन प्लस सिक्स वुड बी सेवन नो इधर मैक्सिमम हमें सिक्स मिलेगा इधर मैक्सिमम सिक्स मिलेगा सो देर इज ओनली वन पॉसिबल सिचुएशन वेयर यू कैन गेट ट्वेल्व क्या कहते हो दोस्तों फटाफट से बताओ है ना सिंपल बात सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व तो देर इज ओनली वन फेवरेबल आउटकम इन टोटल आउटकम सो so, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही है क्योंकि दोनों के सिचुएशन में यहाँ पर भी एक फेवरेबल आउटकम था और यहाँ भी एक फेवरेबल आउटकम है ठीक है ये बात समझ आ गई कि फेवरेबल अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी में एक ही फंडा याद रखना है फेवरेबल अपॉन टोटल सो वन डिवाइड बाई टोटल में ट्वेल्व क्लियर है बेटा ये बात समझ में आ गई चलो ना क्वेश्चन की बात करते हैं देर आर फोर मैन एंड सिक्स वेमेन ऑन द सिटी काउंसिल इफ़ वन काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर अ कमेटी एट रेंडम हाउ लाइकली इज इट दैट इट इज अ वेमन अज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास फोर मैन सिक्स वेमेन हैं देख रहे हो वेमेन एम्पावरिंग चल रहा है यहाँ पर ओके सिटी काउंसिल में अपने पास फोर मैन सिक्स वेमन है इफ़ वन काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर अ कमेटी एट रेंडम एक ही मेंबर चाहिए इस पूरे इधर जितने भी लोग अपने पास है सिटी काउंसिल में हाउ लाइकली इज दैट इट इज़ अ वुमन इट इज़ अ वुमन तो वो कह रहा है कि हमें एक पर्सन ही चूज़ करना है बट प्रॉबिलिटी बतानी है हाउ लाइकली इट इज़ इसका भी मीनिंग वही है कि प्रॉबिलिटी बताओ हाउ लाइकली इट इज़ वॉट इज़ द प्रोबिलिटी कि जो हमने मेंबर चूज़ किया दैट इज़ अ वुमन ठीक है सो so, यहां पर हम लोग दोनों ही बात करेंगे पहले फेवरेबल फेवरेबल आउटकम तो हम फेवरेबल का सिचुएशन क्या है कि सिक्स विमेन में से एक वुमेन को चूज करना भाई हमारे पास टोटल टेन पीपल है बट हम चाह रहे हैं कि हम जो चूज कर रहे हैं वो वुमेन होना चाहिए तो सिक्स में से एक वुमेन को चूज किया सो दिस इज योर सिक्स ये तो लिखना आता है ना सिक्स सी वन एन सी वन ओके फेवरेबल आउटकम आ चुका है सिक्स नाउ योर टर्न इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ट्वेल्व सी वन क्यों नो 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 टेन सी वन हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं टेन दिस इज ओनली टेन टेन सी वन टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने अपने पास टेन फोर प्लस सिक्स हमें कोई सिचुएशन नहीं करनी कवर हमें सिर्फ एक पर्सन को चूज कर रहे हैं सो टोटल वी हैव प्रोबेबिलिटी इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाई टेन और थ्री डिवाइड बाई फाइव थ्री डिवाइड बाई फाइव ठीक है ये बात समझ में आ गई क्लियर है कोई पंगा नब आगे बढ़े चलो नेक्स्ट इन अ लॉटरी अ पर्सन चूज सिक्स डिफरेंट नेचुरल नंबर ओके एट रेंडम फ्रॉम वन टू ट्वेंटी फ्रॉम वन टू ट्वेंटी मतलब एक से बीस के बीच में से हमें कोई भी सिक्स नेचुरल नंबर लेने हैं है ना यही कहानी कह रहा है क्वेश्चन राइट ओके सिक्स डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रेडम फ्रॉम वन टू ट्वेंटी एंड इफ दीज सिक्स नंबर नंबर्स मैच विद दिक्स नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी ही विंस द प्राइज ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम हिंट क्या दे रखा है ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओके तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्या कह रहा है कि पहले आपने निकाला टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टोटल ट्वेंटी डिफरेंट नेचुरल नंबर उन ट्वेंटी डिफरेंट नेचुरल नंबर में से कोई भी सिक्स आपको चूज करने हैं ट्वेंटी डिफरेंट नेचुरल नंबर में से कोई भी सिक्स अपने को चूज करने हैं राइट तो ये हमारा पॉसिबल सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ट्वेंटी माइनस सिक्स इन फैक्टोरियल सो दिस इज ट्वेंटी फैक्टोरियल फैक्टोरियल एंड फोर्टीन फैक्टोरियल क्लियर ऑफ आउटकम्स आगे कह रहा है इफ दी इज सिक्स नंबर्स मैच विद द सिक्स नंबर्स ऑलरेडी फिक्सड बाय द लॉटरी कमेटी अब आराम से समझो क्या कह रहा है कि हमारे पास लॉटरी कमिटी में सपोज करो आपने लॉटरी वाला कभी गेम सुना हो या एक्चुअल में लाइफ में कभी देखा हो कि कुछ नंबर्स है ना फाइव ट्वेंटी सेवन तो हमने फाइव ट्वेंटी सेवन चूज किया तभी तो हमारी लॉटरी लगेगी ना तो देर इज ओनली वन वे है ना फेवरेबल आउटकम वुड बी वुड बी वन बिकॉज क्वेश्चन इफ दीज सिक्स नंबर्स मैच विद द सिक्स नंबर्स ऑलरेडी फिक्सड बाई द लॉटरी लॉटरी कमिटी है ना सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम इज वन क्या कहते हो? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा अपने पास वन बिकॉज हमने जो नंबर्स को चूज किया और वही हमें उसमें लॉटरी में मिले देर इज ओनली वन पॉसिबल सिचुएशन सो फेवरेबल आउटकम वन नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है फेवरेबल अपॉन टोटल टोटल में है ट्वेंटी फैक्टोरियल डिवाइड बाय सिक्सटीन फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल एम आई राइट नो आई हैव रिटन एज ऑपोजिट दिस है फोर्टीन फैक्टोरियल सो फोर्टीन फैक्टोरियल अबव इन टू सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई ट्वेंटी फैक्टोरियल सो कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसको कैलकुलेट करने की इट्स अ वेरी लेंथी कैलकुलेशन ठीक है कर लोगे बाकी बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगी कैसे फोर्टीन फैक्टोरियल तो रहने तो ऐसे ही इसको लिखते हैं सिक्स इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाई इसको लिखेंगे ट्वेंटी इंटू नाइनटीन इंटू एटीन इंटू सेवेंटीन इंटू सिक्सटीन इंटू फिफ्टीन इंटू फोटीन फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया ठीक अब यहाँ पर फाइव इंटू टू टेन छहती अट्ठारह बहुत बढ़िया कट गया फाइव इंटू टू टेन इसको कट कर दिया टू बचेगा है ना अब, अब दो इंटू पंद्रह तीस इंटू ना इंटू सेवनटीन इंटू कैलकुलेट कर दिया अब छोटा सा आप भी कर सकते हो भाई इतनी कैलकुलेशन आप भी करो मैंने कितनी सारी कर दी है ठीक है तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर कहता है ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉइंट फोर टू प्रॉबेबिलिटी ऑफ बी पॉइंट फोर एट एंड प्रबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ने क्या क्या अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है इट इज पॉइंट फोर टू प्रॉबेबिलिटी ऑफ बी दॉइंट फोर एट मजेदार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड दोनों में अवेलेबल होना चाहिए जीरो पॉइंट वन सिक्स सो अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है पहले फाइंड आउट करो नॉट ए तो अब हमें इस फॉर्मूले से एक बात याद आ रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ए और बी एटलीस्ट ए एंड बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.42 प्लस 0.48 माइनस 0.16 हमारा आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ठीक है अभी देखा नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन को इसकी जरूरत है है ने पूछा है, देखो और so, yes, प्रोबेबिलिटी तो मतलब कॉम्प्लीमेंट दिस इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेरी 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 सिंपल सो डायरेक्ट लिख देंगे 0.42 तो यहाँ से मिलेगा नंबर पॉइंट क्या पूछ रखा है नॉट बी एम आई राइट बताओ भाई कॉमेंट करके बताओ बराबर से यस नॉट बी सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दिस इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पॉइंट फोर एट सो इट गिव यू जीरो पॉइंट फाइव है ना जो लिखा हो बस साथ के साथ पढ़ते चलो लिखते चलो काम करते चलो अपना आराम से बन जाएगा ए एंड बी ए और बी में हमेशा डिफरेंस दि जो है अपने दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना क्लियर है क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल सबको चमक गया चलिए जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी देखो ये एंड का ना बड़ा ही अपने आप में महत्व होता है अच्छा तो ये एक तरीके से वेन डायग्राम पर आ जाओ थ्योरी कितने किसने पढ़ी है एक ले लिया मैंने इंग्लिश एक ले लिया मैंने हिंदी है ना अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड की बात आ गई है पॉइंट फाइव है ना तो पॉइंट फाइव दे रखिये मतलब प्रोबेबिलिटी देखे जा रहा है प्रोबेबिलिटी कैन यू सी दिस कलर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये अपन ने वही ए और ये अपन ने वही बी ए और बी में काम करना अपने को ज्यादा अच्छा लगता है सो यहां से कितना मिल गया बेटा अपने को ये ए एंड बी है ना ए इंटरसेक्शन बी कितना मिल गया पॉइंट फाइव क्या कहते हो क्लियर है अब यहाँ से कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं वॉट इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर नीदर के मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ना तो वो भाई साहब ऐसे हैं ना तो इंग्लिश में पास हुए और ना ही हिंदी में पास हुए ना तो इंग्लिश में पास हुए ना ही हिंदी में पास हुए तो ऐसे देखा जाए तो क्या करें बेटा कि मतलब ये कहानी बाहर की कहानी के लिए दे रहा है ना तो टोटल वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज गिवन विच इज जीरो पॉइंट वन आराम से सोचो वो कह रहा है किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है सो so, टोटल टोटल सैंपल स्पेस मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है उसमें से ये वाला पोर्शन जो है हटा दे ये कौन सा पोर्शन है जब वो पास होता है सो वन माइनस दिस इज इक्वल टू व्हेन इट इज़ नॉट पासिंग इन एनी सब्जेक्ट सो बेसिकली इसका जो हकीकत है वो ऐसा है कुछ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब वो ना तो ए में पास हो ना ही बी में पास और दोनों में ही पास ना ए कॉम्प्लीमेंट बाहर बी कॉम्प्लीमेंट बाहर उन दोनों का इंटरसेक्शन सो दिस शेडेड रीजन विच कैन बी रिटर्न एज वन माइनस प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो आपको ये मुझे पता है कि बहुत कम बच्चों को एकदम से क्लिक एक करता है तो ये क्लिक कर जाना चाहिए यहाँ से हमारा काम बन गया वन माइनस जीरो पॉइंट वन उधर ले गए और ये भाई साहब को उधर उठा के लिया है ए यूनियन बी सो प्रॉबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट नाइन आ गया इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन ओ प्रोबेबिलिटी इंग्लिश हमने दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंग्लिश पासिंग द एग्जामिनेशन इज है ना वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमसे पूछा जा रहा है अब तो आसान हो गया हमने ये कैलकुलेट किया इट वॉज इम्पोर्टेंट दैट इज गिवन एंड दैट इज ऑल्सो गिवन सो बस वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी इज योर जीरो पॉइंट नाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना अपने पास पॉइंट सेवन फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा जा रहा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज़ गिवन दैट इज़ पॉइंट फाइव चलो बहुत बढ़िया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक साथ छोड़ेंगे पॉइंट नाइन माइनस जीरो पॉइंट सेवन फाइव माइनस माइनस प्लस जीरो पॉइंट फाइव तो इन दोनों को ऐड किया तो ज़ीरो पॉइंट नौ और पाँच कितना होता है नाइन फाइव वन फोर तो इट इज़ वन पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट सेवन फाइव ओके चलो इसको करते हैं कैलकुलेट तो फाइव ये आठ सिक्स ज़ीरो पॉइंट सिक्स फाइव प्रॉबिलिटी है कि वो अपना हिंदी का एग्जामिनेशन पास करेगा मतलब इंग्लिश में पास होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है कंपैरिजन टू इंग्लिश में पास होने की क्लियर समझ में आ गया तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ना वो मैं एक बार आपको हाईलाइट करती हूँ uh, ये वाला द प्रॉबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज दिस वन इसको आराम से समझो कैसे निकालते हैं आप याद रख सकते हो इसको तो समझो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब है ना तो वो ए में पास हो ना ही वो बी में पास हो यहाँ तो सब्जेक्ट्स के लिए इसलिए पास होने की बात कर रहे हैं मतलब ना तो हम ए को चूज करें ना ही हम बी को चूज करें है ना सो इट इज टू वन माइनस वेन हम एटलीस्ट किसी एक को चूज करते हैं क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कहानी क्लियर है क्लियर है समझ आ गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इनर रिले रेस देर आर फाइव टीम्स ए बी सी डी एंड ई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली अच्छा जी तो यहां पर आओ वो कह रहा है कि यहां पर पांच टीम अपने पास ए बी सी डी ई ठीक है अब उसके हिसाब से वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पर अपने पास पांच टीम है और ए बी सी को फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आना है तो फेवरेबल की हम बात करें फेवरेबल तो वन ही तो होगा बेटा इतना कंफर्म है कि फर्स्ट पोजीशन पर आना है बी को सेकंड पर आना है सी को थर्ड पोजीशन पर आना है मतलब ए पहले पर ही आएगा बी दूसरे पर ही आएगा सी तीसरे पर ही आएगा तीन ही तो पोजिशन से होती हैं भाई आगे तो हम कहाँ काउंट करते हैं कोई पूछता था फोर्थ किसका आया यही पूछते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड किसका आया है ना यही बात होती है स्कूल में कि पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर फर्स्ट रैंक किसकी है सेकेंड रैंक किसकी है थर्ड रैंक किसकी है यही पूछते हैं तो उसने बोला कि फर्स्ट पर ए आए बी सेकंड पर आए सी सेकंड थर्ड पर आए तो इसका फेवरेबल आउटकम वन पोजिशन फिक्स हो गई है अच्छा टोटल तो नंबर ऑफ सैम्पल्स स्पेस की बात करें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की हम बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं तो इसका मतलब पहले पोजीशन पर कितने लोग आ सकते हैं पांच कोई भी आ सकता है दूसरे पर कितने आ सकते हैं चार तीसरे पर कितने आ सकते हैं कोई भी अपने कितने आ सकते हैं बेटा तीन तो या तो ऐसे करो पांच में से कोई भी तीन चूज किए और थ्री फैक्टोरियल से रोटेट कर सकते हैं तो फाइव आ, इसको लिखेंगे फोर थ्री डिवाइड में थ्री टू वन है ना और यहाँ पर थ्री टू वन ये आपस में कैंसिल हो गए और ये कितना हो गया 60. कितना हो गया सिक्सटी क्योंकि भाई हमारे पास तीन प्लेसेस हैं फाइव कैंडिडेट्स हैं तो कितने तरीके से फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं फिर सेकेंड भाई एक पहले पर आ गया तो फिर दूसरे पर कम फिर तीसरे पर कम तो दिस इज सिक्सटी और जब हमें बोला गया क्या कि ए बी सी में से ए पहले पर बी सेकेंड पर सी थर्ड पर आना ही चाहिए तो देर इज ओनली वन पॉसिबल सिचुएशन सो रिक्वायर्ड प्रॉबेबिलिटी ये पहले केस की बात हो रही है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल सो वन अपॉन सिक्सटी इज योर रिक्वायर्ड आंसर फेवरेबल अपॉन टोटल ठीक है आगे कह रहा है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बी वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी आर फर्स्ट थ्री टू फिनिश इन एनी ऑर्डर अब उसने बोल दिया क्या आओ, कि हमारे पास ए बी सी तीन कैंडिडेट हैं इनके लिए तीन पोजीशन है यही तीनों इन तीनों पर आने चाहिए मतलब सैंपल स्पेस तो वही रहेगा सैंपल स्पेस कितना रहेगा बेटा सिक्सटी फेवरेबल की बात की जाए तो तीन अपने पास है एबीसी और तीन पोजीशन है अब उसने ये नहीं बोला कि इनका ऑर्डर फिक्स होना चाहिए अब ये है कि पहले पर इन तीनों में से कोई भी आ जाए तीन अब एक यहां पर आ गया तो इस पोजीशन पर कोई भी दो बैठ जाए इस पोजीशन पर बचा हुआ तो कितना हो गया थ्री इंटू टू इंटू वन दैट इज सिक्स ये अपना क्या है फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम क्लियर हुआ फेवरेबल आउटकम की बात कर रहे हैं तो सिक्स अपना आ चुका है फेवरेबल सिक्सटी अपना है टोटल सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाय सिक्सटी एंड दैट इज वन बाय टेन ठीक है समझ आ गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इन अ सर्टेन लॉटरी टेन थाउजेंड टिकट आर सोल्ड अच्छा जी दस टिकट बच चुक, बिच गय, बिक right, चुके बिच गए क्या कहते हैं बिक गई राइट सोल्ड हो चुके हैं एंड टेन इक्वल प्राइजेज आर अवॉर्डेड अच्छा दस उनके लिए प्राइजेज रखे गए हैं है ना वॉट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ़ यू बाय यहाँ पर बात हो रही है नॉट गेटिंग अ प्राइज निगेटिव बातें कर रहे हैं भाई साहब इफ़ यू बाय नंबर ए वन टिकट है ना तो एक करके काम करते हैं नंबर वन यहाँ पर है अपने पास दस हज़ार टिकट और जिसमें से सिर्फ दस टिकट पर अपने पास हैं भाई इक्वल प्राइजेक्स इसका मतलब क्या है दस प्राइजे दस हजार में से सिर्फ दस प्राइज हैं बाकी के नौ नौ डबल जीरो कितना बचेगा हा 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 टेन थाउजेंड में से अपने टेन माइनस कर दिया मजाक ही हो रहा है ये बच गया ट्रिपल नाइन जीरो टिकट ऐसी जिन पर कोई प्राइज नहीं तभी तो लॉटरी बहुत कम लोगों की निकलती है बताओ दस हजार की जनता में दस का ही उनको प्राइज मिलने वाला है So, वो कह रहा है कि जब आप एक ही टिकट लेते हो उस पर प्राइज ना मिले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है तो फेवरेबल की बात करें फेवरेबल वो कह रहा है प्राइज ना मिले है ना तो देखो जब आप ये टिकट हैं जिनमें से प्राइज मिलेगा और ये वो टिकट है जब प्राइज नहीं मिलेगा इनमें से कोई एक टिकट चूज़ करोगे तो प्राइस नहीं मिलेगा इनमें से टिकट चूज़ करोगे प्राइस मिलेगा और टोटल टेन थाउजेंड में से चूज करोगे नहीं पता मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है सो so, यहाँ पर क्या हो गया टेन थाउजेंड सी वन फेवरे सॉरी हम लोग फेवरेबल लिख रहे थे पहले हम पहले फेवरेबल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा कि ट्रिपल नाइन ज़ीरो सी वन जो वो टिकट है ना यहाँ से हमने एक चूज़ कर ली यहां से एक टिकट चूज किए क्योंकि हमें चाहिए कि हमें एक टिकट खरीदे और हमें प्राइस ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सो so, ट्रिपल नाइन जीरो से टिकट चूज किया तो दिस इज योर ठीक एंड फेवरेबल सॉरी सो उसकी बात करें सैंपल स्पेस की दिस इज टेन थाउजेंड सी वन तो ये हो गया टेन थाउजेंड क्या हो गया टेन थाउजेंड ठीक है तो इतनी बात क्लियर होगी नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ट्रिपल नाइन जीरो डिवाइड बाई टेन थाउजेंड सो जीरो से जीरो कट गया पॉइंट नाइन 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 इज योर प्रोबेबिलिटी किस चीज की कि आप एक टिकट खरीदो और अपने को वो प्राइज ना मिले ठीक है टू टिकट्स फेवरेबल आउटकम हो अब वो कहना चाह रहा है कि आप दो टिकट खरीदोगे लेकिन आपको प्राइज नहीं मिले तो अगेन यहीं से हमें दो टिकट चूज करनी पड़ेगी तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा ट्रिपल नाइन जीरो सी टू है ना दिस इज योर फेवरेबल क्योंकि हमें दो टिकट लेने पर भी हमें प्राइज नहीं मिले एंड फेवरेबल के बाद हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की तो टेन थाउजेंड सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल तो यू ओके ट्रिपल नाइन जीरो सी टू एंड डिवाइड बाई टेन थाउजेंड सी टू कैलकुलेट करना है इसको वैसे बहुत लेंदी जाएगा ऐसे ही रहने दो काफी लेंदी कैलकुलेशन हो जाएंगे सो लीव इट लाइक दैट ठीक है इफ यू वॉन्ट यू कैन प्रोसीड इट फर्दर बट यहाँ तक भी छोड़ देते हो कोई दिक्कत नहीं है इज इट क्लियर बेटा कैसे काम हो रहा है ठीक है एंड ऑप क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं टिकट्स। uh, अब <laughs> वो कह रहा है कि आप दस टिकट खरीदते हो लेकिन फिर भी आपको प्राइस नहीं मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो भाई हमारे पास पता है कि आप टेन टिकट खरीदो चाहे कितनी ही टिकट खरीदो आप कह रहे हो कि प्राइजेज नहीं चाहिए सो ट्रिपल नाइन जीरो वो टिकट है जिन पर आप हमें यहाँ से चूज करने पर कभी कोई प्राइज नहीं मिलेगा वो दस टिकट अलग थी सो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू ट्रिपल नाइन जीरो सी टेन है ना ये अपने पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आ चुके हैं एंड सैंपल स्पेस की बात करें स्पेस कितना है टेन थाउजेंड सी टेन सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना है ट्रिपल नाइन जीरो सी टेन डिवाइड बाई टेन थाउजेंड C10. This is the answer. Clear? यहाँ तक बात समझ में आ गई कोई पंगा आराम से पता चल गया ना कि कैसे काम करना है जब क्वेश्चन कह रहा है कि अपने को 10 टिकट्स पे प्राइजेस हैं तो और हम जब भी कोई टिकट खरीदे हमें नौ प्राइस मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो हमने पहले ही वो टिकट्स को सेपरेट कर लिया कि इनमें से आप एक लो दो लो दस लो हज़ार लो पत, लोग फिर भी अपने को कोई प्राइज नहीं मिलेगा वो ये दस टिकट अलग ही हैं तो पता नहीं किस किस्मत वाले के पास जाएंगी जिनको ये लॉटरी मिलेगी इसलिए लॉटरी का खेल बहुत खराब होता है मिल मिल गया गया नहीं नहीं मिला तो? नहीं मिला तो नाउ कम टू द द डिस्कशन अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बात है प्रोबेबिलिटी कोई ही फंसा दिया उन्होंने पी आर बताया था ना जब भी कोई वर्ड आ जाएगा उसके लेटर्स को एक एक करके लिखेंगे पी आर ओ बी प्रबे I L I T O Y यही है P R O B A B I L I T Y ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइन इलेवन टोटल इलेवन लेटर्स है अपने पास ठीक है जिसमें से दो B आइडेंटिकल हैं दो I आइडेंटिकल है Oh, यहाँ पर प्रॉबेबिलिटी प्रॉबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वॉवल वॉबल और कॉन्सोनेस को अलग करेंगे तो देखें कितने वॉवल्स हैं काउंट कर लो लिखने की जरूरत नहीं है oh, यहाँ से लिखेंगे एक दो तीन चार दट इट ए ई आई ओ यू तो वाई तो होगा नहीं ठीक है तो एक दो तीन चार तो नंबर ऑफ वॉवल्स फोर और कॉन्सोनेट कितने होंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इलेवन है तो इलेवन माइनस वॉवल्स दैट इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट ठीक कोई बंगा चलिए अब आगे वो कह रहा है प्रॉबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवल आप क्या कर रहे हो एक सिंगल लेटर सिलेक्ट कर रहे हो है ना सो फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम की हम बात करें दैट इज एक वॉवल चाहिए तो चार में से एक चूज करोगे तो एक ही मिलेगा कितने से चार तो चार में से एक चूज करेंगे तो एक ही मिलेगा फोर एंड टोटल सैंपल स्पेस की बात करें तो इलेवन सी वन दैट इज 11, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फोर डिवाइड बाय 11 क्या आ गया चार बटे ग्यारह समझ में आ गया भाई चार हमारे पास वॉवल हैं और टोटल 11 लेटर्स उसने बोला रिक्वायर्ड जो अपना लेटर निकले वो क्या निकले वॉवल निकले सो so, चार बटे टोटल ग्यारा, तो ग्यारा so, 11 तो ग्यारह सी वन सो 4 बाई इलेवन इज योर रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी टू गेटिंग अ वॉवल क्लियर है चलो विदाउट रिपीटेशन ऑफ द नंबर सबसे इंपॉर्टेंट उसने पहली लाइन लिख दी विदाउट रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स फोर डिजिट नंबर्स आर फॉर्मड फोर डिजिट फोर डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड विद द नंबर्स जीरो टू थ्री फाइव प्रॉबिलिटी ऑफ सच अंबर डिविजेबल बाई फाइव सो फेवरेबल आउटकम की जो भी हम बनाएंगे देखो यहाँ पर या तो यूनिट प्लेस पर जीरो आ जाए या जा, फाइव आ जाए तो हमें दोनों अलग अलग कंसिडर करने पड़ेंगे तो आपने यहां पर जीरो को प्लेस कर दिया तो वन टू थ्री डिजिट जो है रिपीट नहीं करेंगे तो अब इस प्लेस को फिल करने के लिए थ्री ऑप्शन फिर इसके लिए टू और इसके लिए वन तो ये क्या हो जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन दैट इज सिक्स जीरो मल्टीप्लाई मत करना जीरो तो हमारी डिजिट है जीरो हमने यहाँ फिक्स कर दी तब भी फाइव से डिविजिबल होगा तो बचे हुए तीन डिजिट को तीन प्लेस पर फिल करने का तरीका थ्री फैक्टोरियल अच्छा यहाँ पर हमने फाइव पुट कर दिया ये फाइव हमने यहाँ पर रख दिया क्योंकि नंबर जो है पाँच से डिविजिबल होना चाहिए सो रिमेनिंग डिजिट्स क्या क्या हैं जीरो टू थ्री अब फोर डिजिट नंबर बनाना है तो यहां पर जीरो नहीं आ सकता ना बेटा क्या कहते हो यहां पर जीरो आ गया तो इट वुड बी थ्री डिजिट नंबर सो दिस प्लेस कैन बी फिल इन टू दिस कैन नॉट कम हियर सो टू और थ्री में से कोई एक डिजिट यहां पर आएगा तो कोई भी एक रख दिया तो एक इन दोनों में से बचेगा एक ये बचा हुआ है दिस प्लेस कैन बी फिल इन टू वे अब तो एक ही बचेगी दिस प्लेस कैन बी फिल इन वन वे इज इट क्लियर ये इंपॉर्टेंट है और ये हमने कॉम्बिनेशन में बहुत क्वेश्चन किए हैं कि टू तो 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 और नंबर आएगा ठीक है तो दो और तीन में से एक आएगा तो दो तरीके इसको फिल करने के, अब उनमें से एक चला गया तो एक, बचा, एक जीरो. इसको फिल करने एक का एक यहां चला गया तो एक ही बचा so, यहां पर टू इंटू टू इंटू फोर वेज सो इधर टोटल नंबर ऑफ आउट फेवरेबल आउटकम की बात करें तो कितने आ चुके हैं सिक्स प्लस वो दिस इज टेन मतलब जब जीरो होगा यूनिट प्लेस पर तो सिक्स मिलेंगे जब फाइव होगा यूनिट प्लेस पर तो फोर मिलेंगे सो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना मिल गया टेन अभी टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस तो हमें उसने कुछ कंडीशन नहीं लगानी सिर्फ बाय यूजिंग ज़ीरो टू थ्री फाइव हमें बनाना है फोर डिजिट नंबर सिंपल तो बेटा दिस प्लेस कैन बी फिल इन थ्री वेज क्यों क्योंकि हमें चार डिजिट नंबर तो बनाना है ना जीरो तो नहीं आ सकता तो आई द टू थ्री फाइव थ्री वेज अच्छा एक डिजिट यहाँ पर चली गई इन तीनों में से कोई भी एक डिज़िट तो यहाँ से दो बचेंगे एक ये बचेगी तो दिस प्लेस कैन बी फिल इन थ्री वेज दिस प्लेस कैन बी फिल इन टू वे क्योंकि एक यहाँ चलेगी इन दोनों में से इसमें से और इसमें से मतलब ये दो बचेंगे ना ऐसे दो डिजिट्स तो एक यहाँ चलेगी फिर दो एक यहाँ चलेगी तो फिर एक सो दिस इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन सो नाइन इंटू टू एन इज योर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब जीरो टू थ्री फाइव को जब डिजिट रिपीट नहीं करेंगे तो अट्ठारह डिफरेंट नंबर बना सकते हैं जिसमें से दस नंबर बनेंगे जो अपने फाइव से डिविजिबल होंगे सो ड प्रबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल भाई प्रोबेबिलिटी में सबसे बढ़िया बात ही लगती है कि फेवरेबल अपॉन टोटल कुछ याद ही नहीं करना आज पर आपका प्रोबेबिलिटी फिनिश नहीं हुआ ट्वेल्थ में जब आप आओगे सो प्रोबेबिलिटी वुड बी योर मेन चैप्टर मतलब बहुत लेंदी है बहुत बड़ा है अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो अभी वाला जो प्रोबेबिलिटी है ना वो चमकेगा ना अच्छे से तभी आप नेक्स्ट क्लास मतलब ट्वेल्थ क्लास का प्रोबेबिलिटी जो है अच्छे से कर पाओगे अभी बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी अपने को करना है फेवरेबल आया 10, आया टोटल नंबर विच इज बाई फाइव बाई यूजिंग द डिज इज थ्री एंड फाइव क्लियर यहां तक समझ में आ गया भाई ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एक तरीके से पीएनसी पर बेस्ड है और अपने को ये समझना है बच्चा ये भूल जाता है कि क्या फेवर, फेवरेबल है और क्या उनका टोटल है तो ये कंडीशन जो लगी होती है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सच तो ये कंडीशन होती है फेवरेबल वाली और ये जो पहले लिख करके आता है कि हमें चार डिजिट नंबर बनाना है वो कंडीशन होती है अपना टोटल वाली तो जीरो टू थ्री फाइव को चूज करके कोई भी फोर डिजिट नंबर बनाने का तरीका ठीक है और जब बोला कि इन्हीं को यूज करके कोई नंबर बनाना है विच शुड बी बाई फाइव तो जीरो और फाइव आता है यूनिट प्लेस पर इट वुड बी डिविजिबल बाय फाइव तो बस हमने दोनों केस को अलग अलग बनाया क्योंकि जीरो वाले केस के लिए साथ के साथ काम नहीं कर सकते जीरो चीजों को थोड़ा डिफरेंट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन right. क्या कह रहा है अपने को फोर नंबर चूजन एट रेनम वन टू थ्री अप टू फोर्टी प्रॉबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चन कह रहा है कि जो चार नंबर हम लोग चूज करेंगे वो कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए दे आर नॉट अ तो जब भी ऐसा सीन आएगा कंसेक्यूटिव नहीं हो तो हम क्या करेंगे पहले वो केसेस निकालेंगे जब चारों के चारों कंसेक्यूटिव होंगे और टोटल में से माइनस करेंगे ठीक है तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी इवेंट हम ए लेंगे कि व्हेन ऑल फोर नंबर्स आर कंसेक्यूटिव जब चारों के चारों नंबर अपने कॉन्जर्वेटिव हो हमें वो नंबर्स लेने हैं ठीक है सो so, यहाँ पर अपने पास सैंपल स्पेस क्या दे रखा है एक तरीके से मतलब नंबर्स क्या दे रखे हैं वन टू थ्री अप टू फोर्टी तो यहाँ से मुझे चार नंबर चूज करने हैं पहले ना तो सैंपल स्पेस की बात करें सैंपल स्पेस कोई भी चार नंबर लेने हैं तो टोटल फोर्टी में से मैंने कोई भी चार नंबर चूज कर लिए अच्छा यहाँ पर मुझे बताओ कि हमने प्रोबेबिलिटी ए निकालेंगे क्या कि फोर नंबर आर कॉन्जिक तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकालने वाले हैं पी ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वेन इसका निगेशन कि चारों नंबर कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो और ये क्या हो जाएगा वन माइनस प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए तो हम सारा का सारा फोकस रखते हैं अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करने पर और उसको वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है ओके सो सैंपल स्पेस ने कैलकुलेट किया फोर्टी थर्टी नाइन थर्टी एट मन तो नहीं कर रहा इसको कैलकुलेट करने का लग रहा बहुत बड़ी नंबर्स आएंगे फोर थ्री टू वन 10 time, 2, 1, इसको कट के टेन टाइम थ्री इंटू टू सिक्स थ्री से कट के वन थ्री इसको टू से कट गया वन और नाइन है ना रहने दो उसका मतलब नहीं है ओके चारों नंबर कॉन्जिव हों है ना अब आ जाओ कैसे सोचेंगे इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे करते करते लास्ट में लिखा है मैंने थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी अब समझने की ना भरपूर कोशिश करिएगा चार कॉन्जिकटिव नंबर हमें चाहिए हम पहले बात करें नंबर आर कॉन्जिकटिव मतलब एक ये किस बन गया एक दो से कंसीडर करेंगे तो दो तीन से कंसीडर करेंगे तो तीन चार से कंसीडर करेंगे तो चार मतलब पाँच छः ऐसे चलता जाएगा ये बात समझ में आ रही है तो अभी रुक जाओ मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात सात पे बनाएंगे तो एक बन जाएगा ये फिर आठ पे बनाएंगे इस चलता जाएगा तो थर्टी फाइव पर आएंगे तो ये बनेगा थर्टी फाइव बन गए केसेस चार चार कॉन्जिक्यूटिव के थर्टी फाइव केसेस बन चुके हैं एक दो तीन चार दो तीन चार पाँच तीन चार पाँच है तो ऐसे यहाँ तक थर्टी फाइव ठीक है फिर ये बनाएंगे तो ये थर्टी सिक्स एक दो तीन चार फिर ये बनाएंगे तो थर्टी सेवन तो टोटल कितने बने अपने पास थर्टी सेवन क्यों कि 38 के साथ बनाएंगे तो 38, 39, 40 और 41 नहीं ले सकते तो I mean, exactly, मतलब मिनिमम, आई होता है तो चार चार नंबर जो कॉन्जुक होंगे वो हमारे पास कितने केसेस इज इट क्लियर इसीलिए मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मतलब हम ऐसे सोचते क्या, अच्छा, एक दो तीन कहते चालीस चा, 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 तक चालीस चा, लिख दो अरे थम जाओ यहाँ तक छत्तीस देगा छत्तीस उनतालीस थर्टी सिक्स हो गए, थर्टी सेवन से देगा एट okay. पर आते ही आता हमारी गाड़ी खराब हो हैं, सिर्फ का कितने मिल गए? सॉरी थर्टी सेवन ठीक है और uh, सैंपल निकाल चुके हैं क्या निकाला था हमने फोर्टी सी फोर अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे इन विच योर ऑल फोर नंबर्स आर कॉन्जिकटिव सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन फोर्टी सी फोर बट क्वेश्चन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं पूछा क्वेश्चन चाहता है अपने को क्या निकलवाना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दिस इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वेन वेन प्रोबिलिटी दैट दे आर नॉट अ कॉन्जिकटिव ठीक है सो वन माइनस थर्टी सेवन अपॉन फोर्टी सी फोर अरे भाई इसने चार ऑप्शन भी दे रखे हैं करना पड़ेगा क्या करना चाहिए क्या बताओ चलो देश देश और देश इनको मल्टीप्लाई करना है कर लोगे वैसे मेरे हिसाब से तो तुम भाई कैलकुलेशन ही तो करनी है क्यों मेरे को तुम मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो आज बैठ के बताओ थर्टी सेवन इंटू नाइनटीन नाइन से करेंगे नाइन इंटू सेवन थ्री सिक्स ट्वेंटी सेवन और सिक्स थर्टी थ्री ये थर्टी सेवन थ्री जीरो सेवन अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्टीन से थर्टी uh, नाइन ऐसे कुछ आ रहा है है ना क्या बात कर रहे हो सही आ रहा है ना थर्टी सेवन इंटू 19 आ गया चार से कट गया दस बार और तीन से कट गया तेरह बार दो से कट गया उन्नीस उन्नीस अड़तीस तो थर्टी सेवन इंटू नाइनटीन किया भाई आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे और फिर यहाँ पर वन माइनस दिस वन करके यू विल गेट योर आंसर अब वन टू थ्री फोर में से कोई भी अपना आंसर हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आई कैन सी दैट दिस वुड बी योर आंसर ठीक है एक बार देख लेना बेटा ठीक है क्लियर है यहाँ तक चलो क्योंकि नॉट कॉन्जेटिव की बात कर रहा था तो हमने तो तो चार चार के केसेस बनाए तो कितने आ रहे हैं अपने थर्टी सेवन केसेस बन रहे हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ कहना चाह रहा है अर्न टू रेड बॉल्स फाइव ब्लैक एक बैग के अंदर ये हालचाल है और दूसरे बैग के अंदर थ्री रेड बॉल हैं और फोर ब्लैक बॉल्स हैं दूसरे बैग में इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न सॉल्यूशन पर आ जाओ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑन यहां से और यहाँ से एक एक ही बॉल करनी है ना एक एक बॉल वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी ऑफ द सेम कलर टास्क क्या है बेटा हमें कि से से और यहां से दोनों से एक एक बॉल लेनी है यहाँ पर भी एक बॉल यहाँ पर भी एक बॉल तो सेम कलर की मतलब यहाँ से रेड कलर आए तो वहां से भी रेड कलर और यहाँ से ब्लैक कलर की आए तो वहां से भी ब्लैक कलर की तो यहाँ से रेड कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी दो बटे साथ इस बैग से रेड कलर का बॉल लेना है एक टोटल फेवरेबल आउटकम टू और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सेवन पाँच प्लस दो टू बाई सेवन अब यहाँ से मुझे रेड बॉल लेना है टास्क कंप्लीट तभी होगा जब दोनों से सेम कलर का बॉल निकलेगा तो रेड कलर के लिए थ्री टोटल हो गया थ्री फेवरेबल थ्री प्लस फोर सेवन प्लस अब यहाँ से एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो पांच फेवरेबल हैं सात टोटल हैं अब इस बैग से एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी चार बटे सात तो ये कितना मिल गया तीन दूनी छः सात सात फोर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर्टी अब एलसीएम लेंगे फोर्टी नाइन तो ये हो गया सिक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई फोर्टी सो ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई फोर्टी नाइन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन अरे व्हाइट नहीं दिख रहा क्लियर कि हमारा आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर डी क्लियर है बेटा ये बात समझ में आ गई कोई पंगा नहीं तो आराम से उसने बोला कि बॉल शुड बी ऑफ द सेम कलर तो हमने यहां से एक रेड बॉल ली तो यहाँ से भी रेड बॉल लेनी है तभी टास्क कंप्लीट होगा प्लस यहाँ से एक ब्लैक तो यहाँ से भी एक ब्लैक तो यहाँ से एक रेड बॉल निकालना है तो उसका प्रॉबेबिलिटी तो दो फेवरेबल हैं एंड डिवाइड बाई सेवन यहाँ पर तीन फेवरेबल हैं डिवाइड बाई सेवन वहाँ से एक ब्लैक बॉल निकालना है तो पाँच बटे साथ चार बटे साथ ठीक है सिक्स प्लस ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर्टी नाइन सो ट्वेंटी सिक्स बाई फोर्टी नाइन इज योर करेक्ट आंसर सो आई होप आपको क्लास समझ में आई हो हाँ आप लोग देख पा रहे होली का मौसम आ चुका है सो so क्यों ना हम लोग कलर्स में यहाँ पर ही खेल रहे हैं ठीक है so, सो भाई आ, सेफ रहना है बहुत ज़्यादा अपनी मस्ती नहीं करनी है बहुत ज़्यादा नहीं करनी तबीयत ठीक रखनी है क्योंकि अभी तो ट्वेल्थ आई का तभी तो बात की बात है हाँ जी एंड प्रोबेबिलिटी में हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस किए थे आज की क्लास में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सो मेक श्योर कि आपको प्रोबेबिलिटी में कोई टॉप मतलब ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन कैसे करना है क्योंकि प्रॉबिलिटी आपका पेपर हो भी गया है ना तब भी मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी फिर से पढ़ लो क्योंकि प्रॉबेबिलिटी में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो थिंक नहीं कर पाते हैं तो जितना प्रैक्टिस करोगे ना ये भी एक तरीके का क्या है कि प्रैक्टिस करोगे तो इतना जल्दी आप सो, आ, सोचना स्टार्ट करोगे क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में ये प्रोबेबिलिटी यहाँ से आगे का स्टार्ट होगा तो इतना प्रोबेबिलिटी हमारा क्लियर होगा तो आगे हम बात कर पाएंगे तो आपने ट्वेल्थ सॉरी इलेवंथ के एग्जाम हो भी गए हैं ना आप लोगों के तब भी आप प्रॉबिलिटी को पढ़ना अच्छे से और ट्राई करना है जितने क्वेश्चन मिल जाए ना जहाँ जहाँ से सारे क्वेश्चन लगाओ अपने प्रोबेबिलिटी को लेकर के ठीक है चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्ला, नेक्स्ट क्लास में आप लोग नेक्स्ट क्लास में क्या कवर करना चाहते हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता देना सो वी कैन स्टार्ट दैट थिंग अगेन ओके देन बाय